हेलो अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो रिसेंटली लास्ट वीडियो में मैंने आपको जैसे अपडेट किया था कि स्टेडियम में फिर से आहिता आहता काम शुरू होने लगा है और चेयर्स और रूफ के लिए भी लेबर आहिस्ता आहता आ जाएगा एंड नाउ एज यू कैन सी इन लेटेस्ट अपडेट अनदर ब्लॉक में भी चेयर्स की इंस्टॉलेशन शुरू हो गई है जो पोलियन के सामने थोड़ा सा लेफ्ट पे स्टैंड आता है जहाँ पे ऊपर ब्लू कलर की चेयर्स इंस्टॉल हुई थी उसके नीचे वाले स्टैंड में चेयर्स की इंस्टॉलेशन शुरू कर दिया है क्लोज एंगल में अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये साइड वाला स्टैंड है एक तरह से आप इस तरह कंसिडर कर लें जो मीडिया बॉक्स के बिल्कुल सामने वाला स्टैंड है उसमें ये चेयर्स की इंस्टॉलेशन शुरू कर दी गई है ये सिर्फ प्लेस की गई है के लिए, अब इसको फिक्स भी किया जा रहा है कहने का मकसद ये है, है।, है। डिफरेंट एंगल से स्टैंड के शॉर्ट्स भी आपको दिखा देता हूँ साथ में बेलाइकन को दबा ताकि आपको आने वाली अपडेट्स मिलती रहे और कांडली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा टाइम पे आपको मैंने अपडेट किया यहाँ फ्रंट एंगल से भी देख लें जो न्यू स्टैंड में चेयर्स की इंस्टॉलेशन शुरू हुई यहाँ पे भी एक रो में ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू रखी गई हैं जैसे कि बाकी स्टैंड्स में एक एक सेक्शन में रखा गया है हर स्टैंड में चार से पांच सेक्शन है यहाँ पे भी इस तरह से चार से पांच सेक्शन में येलो कलर की चेयर रखी हुई है विद ब्लू थीम सामने आप आप देख सकते हैं यूरो सीटिंग के पड़े हुए इन कॉटन में की की गई थी थी बाहर से स्टार्ट पर मैंने आपको फुल डिटेल्स दी गूगल पे भी सर्च करेंगे यूरो वन हंड्रेड तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी दुनिया के बहुत सारे स्टेडियम में इस तरह की चेयर इंस्टॉल्ड है और जो ब्लू थीम का मैंने आपको समझाया बीच में आप देखें तो एक कॉलम ब्लू कलर की चेयर का रखा हुआ है इसमें जो बीच में स्क्वायर आएगा वो ब्लू कलर की चेयर का होगा येलो के थीम के साथ और ये जो तो नीचे वाले स्टैंड जितने भी हैं ये रेनोवेट हुए इसके ऊपर पर पॉलिश हुए नीचे चिप्स भी लगा यहाँ पे अगर मैं आपको क्लोज शॉट में नीचे सर्फिस दिखाऊं तो आप देखें इसमें तमाम तरफिंग रगड़ाई हुई है उसके बाद ये चेयर इंस्टॉलेशन हो रही है बाकी पूरे स्टेडियम में ऊपर वाले स्टैंड ऑब्वियसली तो आपको पता है वो न्यू बने हैं वहां पे भी ऊपर प्लस्तर किया गया है खैर कलर अगर हो जाता है तो इसका व्यू और भी मजीद अच्छा हो जाएगा यहाँ इस एंगल से आपको क्लियर हो रहा होगा ये कौन सा स्टैंड है पोइलियन के मीडिया बॉक्स के सामने वाला और जो स्वीट सॉल के साथ बाकी सैंड लाई गई थी वो भी ग्राउंड सर्फिस पे पड़ी हुई है जो मैंने पिछली वीडियो में आपको अपडेट किया था ग्रास इंस्टॉलेशन के लिए यहां से ओवरऑल व्यू दे रहा हूं जो थीम का मैंने आपको बताया ऊपर वाले स्टैंड में यहां पे देखें तो ब्लू चेयर्स हैं बीच में जो सेंटर है वो येलो चेयर्स येलो कलर की चेयर्स का है इस तरह से जो सबसे पहले स्टैंड बना था लेफ्ट साइड पर जहां पे ऊपर वाली टेयर में रेड कलर की चेयर्स इंस्टॉल है पिछला स्टैंड जो है सामने वाला वहां पे ऊपर देखें तो येलो कलर की चेयर्स हैं बीच में ब्लू स्क्वायर रखा हुआ है और नीचे वाले स्टैंड में ब्लू कलर की चेयर्स तो उसके बीच में येलो स्क्वायर है सो इस वाले जो न्यू स्टैंड में अब ये नया सेक्शन शुरू हुआ है उसमें नीचे येलो रखा गया ऊपर ब्लू रखा गया लेट्स सी यहाँ पे जो राइट साइड स्टार्ट अगर यहां पे मैं आपको दिखाऊं सामने पूजन से रोटेट करके सो so, नीचे वाले स्टैंड में तो रेड कलर की चेयर्स बीच में येलो है सो so इसके अगले वाले स्टैंड में जो ग्रीन कलर की चेयर्स दो सेक्शन में इंस्टॉल हुई वहाँ पे बताया जा रहा था कि बीच में कोई थीम नहीं रखा जाएगा ग्रीन कलर की चेयर्स के साथ बट उसका मैं शोर नहीं हूँ और वो मैं कमिंग वीडियोज़ में भी अपडेट करता रहूँगा बाकी अगर ऐसे थीम को फॉलो किया जाए जिस तरह से ये कर रहे हैं ब्लू येलो एंड रेड कलर की चेयर्स के लिए तो फिर तो जो ग्रीन कलर की चेयर्स हैं उसके लिए ज़्यादा स्टैंड नहीं बचेंगे इंस्टॉलेशन के लिए क्योंकि फिर जो नीचे वाले स्टैंड में अगर येलो हैं तो ऊपर ब्लू आएंगी ऊपर येलो हैं तो नीचे ब्लू आएंगी इस तरह से फॉलो हो जाएगा सो मेरे वजह से भी ये ग्रीन कलर की चेयर में बीच में थीम नहीं रखा गया वो हम अपडेट करते रहेंगे अभी फिलहाल तो अलाइनमेंट चल रही है मैं तमाम तर आपको ऊपर और नीचे वाले एक व्यू में दिखा देता वैसे तो मैंने रिसेंटली अपडेट कर दिया था बस अब ये जैसे तैसे करके गवर्नमेंट के जो मामला है वो हल हुए हैं और अब ये काम शुरू हुआ है तो ये गुड न्यूज है और बाकी जो लास्ट स्टैंड के ट्रसेस रहते हैं उसका तो सबको इंतजार है बस अब रूफ का लेबर भी आ जाएगा चेयर्स के इंस्टॉलेशन बाकी ग्राउंड में जो लेबर काम कर रहा होता है वो तो मैंने आपको अपडेट कर दिया तो अब मजीद चेयर्स यहाँ पे लाई गई हैं तो हम साथ साथ काउंटिंग भी फिर आने वाली वीडियोस में शुरू कर देंगे जैसे मैंने आपको स्टार्ट में कहा कि एक रो में यहाँ पे भी एक रो में ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू चेयर लाई हुई है और यहाँ पे पूरे स्टैंड में भी चार सेक्शन है जैसे ऊपर वाले ब्लू कलर के चार सेक्शन कवर हुए हैं तो यहाँ पे भी आप समझ लें कि वन थाउजेंड तक चेयर्स यहाँ आ जाएंगी सामने वाला स्टैंड थोड़ा सा छोटा है एज कम्पेयर टू तो लेफ्ट राइट साइड वाले स्टैंड के बाकी ओवरऑल स्टेडियम में हमने स्टैंड काउंट किए थे लेफ्ट साइड वाले स्टैंड से लेकर राइट तक अगर हम जाए तो एक तो बीच में वीआईपी स्टैंड है लेकिन ऊपर नीचे टेयर को टोटल काउंट करें तो सिक्सटीन स्टैंड आते हैं इन तमाम में चेयर इंस्टॉलेशन होगी एक वीआईपी स्टैंड होगा तो उसमें कैपेसिटी थोड़ी कम हो सकती है जो कि बिल्कुल मीडिया बॉक्स के लेफ्ट साइड पे है जो सामने आपको दिख रहा है फिर यहाँ से जो लेफ्ट साइड वाला स्टैंड शुरू हो जाता है ये ये काफ़ी बड़ा स्टैंड है और इस तरह से आगे जाते जाते हुए ऊपर नीचे डबल आ हैं सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट जितनी भी कपैसिटी है यहाँ पे मैचेस शुरू हो बाकी ऑब्वियसली स्टार्ट में भी हर स्टैंड में एक स्टेयर छोड़ी हुई है फिलहाल के लिए सो उससे भी कपेसिटी काफी कम हुई है खैर कैपेसिटी साथ साथ काउंट होती रहेगी जैसे जैसे काम आगे बढ़ता जाएगा जरूरी ये है कि बस अब काम शुरू हो और एक और चीज मैंने शेयर करनी थी जैसे मैंने अक्सर वीडियोज में आपको समझाया वैसे कि पहले स्टार्ट में ये चेयर्स की अलाइनमेंट की जाती हैं ताकि इन सब चेयर्स का जो फेस है वो पिच सेंटर पे आए सो इस वजह से ये पहले अलाइनमेंट करते हैं तमाम तर की जो आखिरी रो है वहां से लेकर फर्स्ट रो तक ये तार की मदद से इसकी एडजस्टमेंट करके तमाम तर चेयर्स को प्लेस कर दिया जाता है कितनी चेयर्स आती हैं उस हिसाब से काउंट करके इनकी अलाइनमेंट की जाती है फिर इनको फिक्स कर दिया जाता है जैसे कि ये बाकी के स्टैंड हुए फिक्सिंग तो मैंने आपको समझाई थी बीच चेयर्स में आपको दो ड्रिल्स के लिए सुराख दिख रहे होंगे इस तरह से इसको नट्स एन बोर्ड की मदद से टाइट किया जाता है हर चेयर में ये जो दो दो सुराख आपको दिख रहे होते हैं ये इन पे कैप आ जाती है हर चेयर की दो कैप्स होती हैं सो उससे फिर ये सुराख दिखते नहीं है बैक साइड पे भी इनका होल होता है खैर वो यूरो सीटिंग का मैंने आपको कह दिया वो गूगल पे आप सर्च करके इसकी पूरी डिटेल्स देख सकते हैं सो इस वीडियो में मैंने पर्टिकुलरली आपको नए ब्लॉक में मतलब चेयर्स का, का काम शुरू हो जाने का अपडेट किया वैसे तो अपडेट्स एक टाइम के वक्फे के बाद हम शेयर कर देते हैं ताकि काम का डिफरेंस भी दिखे और आपको डिटेल अपडेट्स भी मिल जाए लेकिन इस बार जैसे ईद के बाद से काम रुका हुआ था तो हर दूसरे दिन वीडियोस पे कमेंट्स आ रहे होते थे कि क्या काम शुरू हुआ नहीं हुआ तो इस वजह से से थोड़ा मैंने बैक टू बैक वीडियो शेयर किए आपके साथ जस्ट टू कीप यू अपडेटेड के स्टेडियम में अब क्या चल रहा है और काम शुरू हुआ नहीं हुआ मजीद क्या काम शुरू होने वाला है सो so, इस वजह से थोड़ी बैक टू बैक वीडियो आए खैर अपने टाइम पे वीडियोज आती रहेंगी इस वीडियो के लिए इतना ही अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं सोशल मीडिया हैंडल्स पे आके तो फॉलो कर लें फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो या अपडेट के साथ अपना ख्याल रखिएगा सी यू इन मै नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए टेक केयर अल्लाह